राजस्थान में चुनावी बिगुल बज चुका है। दोनों ही पार्टियों के केंद्रीय नेता अपने बयानों से सुर्खियां बटोर रहे हैं, लेकिन कभी कभी ये बयान तथ्यों से परे भी नजर आते हैं। अतीत इसका गवाह है। टोंक के निवाई में रविवार को आयोजित कार्यक्रम में प्रियंका गांधी वाड्रा भाजपा पर जमकर बरसी। प्रियंका वाड्रा कह रही हैं कि भाजपा की सरकार राजस्थान में आ गई तो सारी सरकारी योजनाएं बंद हो जाएंगी। जो आपके लिए इंदिरा रसोई जैसी योजना लाए, जो महिलाओं को मोबाइल फोन दिलवाए, जो किसानों को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी कमाई को बढ़ाने के लिए बिजली के बिल माफ करें, उनके कर्ज माफ करें, यह निर्णय आपको लेना पड़ेगा और ये एक बहुत बड़ा निर्णय है, इसको हल्के में मत लीजिए। जैसे ही भाजपा की सरकार राजस्थान में वापस आएगी, आप देखिए ये सारी स्कीम बंद हो जाएंगी। जितनी भी अच्छे काम कांग्रेस की सरकार ने किए हैं वो सब रुक जाएंगे। अब राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित इस खबर को भी देखिए। पिछली बार की गहलोत सरकार के कार्यक्रम में श्रमिकों की फ्लैगशिप योजना शुरू की गई। 2010 से 2013 तक 900 श्रमिकों को रोजगार दिया गया, लेकिन अब ये योजना फाइलों में दफन है। यानी अपनी फ्लैगशिप योजना जिसके जरिए श्रमिकों को रोजगार देना था वो बंद कर दी गई। 2020 में इस योजना को शुरू करने के लिए फाइलें भी निकाली गई, लेकिन सरकार ने कोई रुचि नहीं दिखाई। ये तो एक बानगी है। अपने भाषण के दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा ने महंगाई और बेरोजगारी को लेकर भी केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रियंका के आरोपों पर भाजपा ने पलटवार किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि प्रियंका को पहले आंकड़े देखने चाहिए थे। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा महंगाई और बेरोजगारी राजस्थान में ही है। खैर, कांग्रेस को मजबूती देने के लिए राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी के दौरे हो चुके हैं। वहीं भाजपा की परिवर्तन यात्रा में जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी समेत अन्य नेता जान फूंक चुके हैं। एक तरफ मौजूदा कांग्रेस सरकार अपनी लोक लुभावनी योजनाओं के दम पर फिर से सत्ता में आने का दावा कर रही है, तो दूसरी ओर भाजपा भ्रष्टाचार, महिला अत्याचार और बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर सत्ता परिवर्तन के लिए यात्रा निकाल रही है। राजनीतिक दलों की सरगर्मियों के बीच सबसे दिलचस्प ये है कि प्रदेश का मतदाता साइलेंट जोन में है और वो दोनों ही दलों के भाषणों और हाव भाव पर नजर बनाए हुए है। ऐसे में दोनों पार्टियों की धड़कनें भी बढ़ी हुई हैं। यही वजह है कि कांग्रेस और भाजपा की बैठकों का दौर लगातार चल रहा है, मगर इन बैठकों से कोई ठोस प्लान सामने नहीं आ पा रहा। अब देखना ये होगा कि कौन सा दल मतदाता के मन में जगह बना पाता है और मतदाता चुनाव में किसे सिरमौर बनाता है। पत्रिका टीवी के लिए जयपुर से ओम प्रकाश शर्मा की रिपोर्ट।